अपने आदमी की मोहब्बत को बहाल करने के चार आसान इकदाम। अगर आप इन चार इकदाम पर अमल करते हैं तो आपको अपने सबका शोहर या अपने चाहने वाले की मोहब्बत को दोबारा हासिल करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। उस आदमी को दोबारा लाने के लिए, पहले जैसा बनाने के लिए मैं यहाँ आपको कुछ नुकात बताने जा रहा हूँ जो आपको आपके आदमी को वापस लाने में जमानत दे सकते हैं और अपने सबका साथी की वापसी को मुमकिन बना सकते हैं। ये और इस तरह की और वीडियोस को मजीद जानने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहला काम, अपनी कदर करें। मर्द के लिए इससे बढ़कर कोई शर्मनाक सूरतयाल नहीं, उससे मोहब्बत की भीख मांगे। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप खवातीन रोना धोना बंद करें, महज इसलिए कि आपका चाहने वाला आपके साथ नहीं है, बल्कि इसकी जगह अपने आप को मजबूत करें। बस आप कम से कम ये करें कि अफसरदा हो जाएं। लेकिन किसी के लिए अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपनी ज़िंदगी को खाई में ना फेंके। अगर आप बेअक्ली का मुजाहरा करते हैं और अच्छे नहीं होते और अपने आप को ज़हनी तौर पर मुतवाज़न नहीं करते तो आप इस रिश्ते को कभी बहाल नहीं कर सकेंगी। दूसरा काम, अपने चाहने वाले को कंट्रोल ना करें। मैं जानता हूं कि अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि आपका चाहने वाला किसी और औरत की जानिब भी शायद रागिब है तो आप हर लम्हे उसकी मसरूफियात पर नज़र रखेंगी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो अगर आपने कुछ करना है तो उसे कॉल करना बंद कर दें और उसे तलाश ना करें, उसे टेक्स्ट मैसेज ना भेजें और ना ही फेसबुक का इस्तेमाल करें ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है। साथ ही साथ दोनों में थोड़ा फासला रखना शुरू कर दें और उसे वक्त दें ये बताने के लिए कि उसने आपको छोड़कर संगीन गलती की है। ऐसा करने से वो आपकी गैरमौजूदगी को महसूस करने लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर वो आपसे मजीद दूर हो जाएगा। तीसरा काम, पहले से ज़्यादा खूबसूरत बने। ख्वातीन की एक बहुत ही आम गलती ये है कि वो अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना छोड़ दे और अपने उतार बिगाड़ दे। लेकिन इसके बरक्स मर्द अपनी साथी को दिन ब दिन खूबसूरत और खिलता देखना चाहते हैं। अक्सर मर्द हजरात अपनी साथी पार्टनर की मजीद खूबसूरती की दुआ भी मांगते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि अपने बालों और भौहों को ठीक करने के लिए ब्यूटी पार्लर या सैलून में जाएं। अपने मेकअप को बेहतर बनाने के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए मशवरा तलब करें। कुछ ऐसे कपड़े खरीदें कि जिसमें आप ज़्यादा पुरकशिश नज़र आएं। अगर आपका वज़न कुछ ज़्यादा है तो वर्जिश को अपना मामूल बनाएं और सेहत बख्श ग़िज़ा खाएं। इस तरह अपना वज़न कुछ कम करें ताकि आपका जिस्म पहले से बेहतर नज़र आए। ऐसा करने से आप खिल उठेंगी, खुद एतमादी बढ़ेगी और आप ज़्यादा खुश, ज़्यादा महफूज रहेंगी। अच्छे से तैयार होना और खुश औरत होना किसी भी मर्द की ख्वाहिश को जगाएगी और इससे आपका साथी भी मुस्तस्ना नहीं होगा और लौट आएगा। चौथा काम, दिखाएं कि आप काबिले कदर हैं। अगली दफ़ा आप अगर उससे मिले तो उसे प्यार करने की या गले लगाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे थोड़ा दुख सहने दें। अगर आप ऐसा करेंगी तो वो आपके लिए पागल होने लगेगा। एक या दो हफ्ते तक ताल्लुकात को इसी सतह पर रखें, इससे आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आप मेरी इस बात पर अमल करती हैं तो आपका चाहने वाला या आपका शोहर जल्द या बदीर आपको ढूँढेगा। उसे अफसोस और हैरत होगी कि वो एक ऐसी औरत के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने जा रहा था जो वाकई उसके काबिल और काबिले कदर है। वो आपसे दूसरा मौका चाहेगा और ऐसा होता है और होना भी चाहिए।
सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।